जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने एक प्रेस मीट करते हुए ये कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से खिदमत करते हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों के दौरान इन्होंने क्या किया इसकी सारी तफसील एक प्रेस मीट करते हुए बताई है। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे को 5 साल अल्लाह के करम से यहाँ पर भाई मेरे दिल को भी सेटिस्फेक्शन है कि मेरे हाथ से कोई ऐसा गलत काम हुआ नहीं। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि यहाँ पर वक्फ बोर्ड में जो काम चला है 5 साल में, जो डेवलपमेंट हो या इंक्रोचमेंट है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ ट्रिब्यूनल के केसेस वगैरह जो जो भी थे और जो भी कैंसर पेशेंट, लीवर, हार्ट, किडनी, अपाश और बस देवायों को भी, वीडोस को भी और जो भी इमदाद की गई यहाँ से गरीब गुरबा के लिए भी, मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को जो है ना अल्लाह ताला एक जरिया बना के यहाँ पर काम लिया मेरे को। और सीएम साहब का भी, मैं केसीआर साहब का भी, केटीआर साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे को जबकि 2 साल में जो है ना एमएलसी जाने के बाद लोग जो है ना केसेस डाल दिए थे कि यहाँ पर नहीं बैठना बोल के, मगर सीएम साहब, केटीआर साहब इसके ऊपर सीरियस थे और अल्लाह ताला का भी बहुत बड़ा करम था ऊपर से कि यहाँ पर मेरे को पूरे 5 साल कंप्लीट कराए। लोग जो लैंड ग्रैबर थे, जो जो लोग थे केसा डाल के जो है ना मेरे को हटाने की कोशिश करे, मगर अल्लाह ताला नहीं हटाना चाह रहा था और एक जरिया सीएम साहब को, केटीआर साहब को बनाया था, वो लोग भी जो है ना रहना बोल के थे और गवर्नमेंट की सपोर्ट से मैं जो काम करा हूँ मेरे को सेटिस्फेक्शन है। अल्लाह का लाख लाख एहसान है और हमारे मेंबर्स भी सब मिल के साथ दिए, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और अल्लाह का एहसान ये है कि यहाँ पर जो काम हुआ, मैं बड़ी बात तो नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि अब कोई भी बोलेंगे कि इन चेयरमैन थे बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम जो काम करें इंडिया के कोई भी बोर्ड में जाके मालूम कर सकते कि ये स्कीमा है क्या। यहाँ गवर्नमेंट के स्कीम्स तो बहुत है, गवर्नमेंट के स्कीम्स के अलावा भी जो है वक्फ बोर्ड की इनकम जनरेट करके वो पैसा जो है ना जो लोग वक्फ करके गए थे जो गरीबों को काम आना बोल के, वो स्कीम कभी भी कहीं भी इंडिया की लेवल, इंडिया लेवल में कहीं नहीं हुई, ना TDP के पीरियड में, ना BJP के, ना कांग्रेस के, ना किसी के पीरियड में, कहीं भी बीजेपी इंडिया लेवल में नहीं है। जहां भी वक्फ बोर्ड है ठप पड़े हुआ है इंडिया में, मगर यहाँ का वक्फ बोर्ड अल्लाह का एहसान है, गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ना, हम KCR साहब की सपोर्ट से और अल्लाह का करम ये रहा कि मतलब हर टाइम सपोर्ट रही। कई बार मेरे को हटाने का ये करे सब लोग केसेस डाल के करके, मगर नहीं हटा सके वो लोग क्योंकि जब तक अल्लाह ताला जिसको रखना चाहता उसको कोई भी छीन नहीं सकता उसको। यही नहीं, हमारे कारोबार में भी कॉम्पिटिशन बहुत रहता, जमात वालों में भी रहता, सब लोग करते मतलब, मगर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक भी। मैं 13 साल की उम्र से कारोबार, बिजनेस में और पॉलिटिक्स में हूँ। मैं 40 साल की एज हो गई है, 40 साल से जो है ना पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड सेल्फ मेड। तो अल्लाह का एहसान ये रहा कि अल्लाह ताला जो है हर काम लिया मेरे से, मगर आज भी हम जितना काम करते पर्सनल भी हम जो है ना 30% गरीब गुरबा में निकालते हैं, उसको हम शो ऑफ नहीं करते उसको। क्योंकि रहा वक्फ बोर्ड का सवाल, वक्फ बोर्ड में जो है जो लोग बोल रहे थे कि अपने लोगों को भी किराए पे दे दिए होंगे, ऐसा करे होंगे, एक साइन भी अगर कोई बता दिया तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूँ भाई। जो लोग जो बताए ना मतलब कि ऐसा है वैसा है, अरे एक तो बता दो। 10 साल के बाद फिर हमारे को जो KCR साहब लेके आके बिठाए, तो जब आया तो यहाँ पर तनख्वाह देने भी पैसे नहीं थे, सब पैसे खर्चे में आए, क्या करें लेवल। और दूसरे वक्फ बोर्ड जितने भी है इंडिया लेवल में, वक्फ प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा,
बराबर जो भी चेयरमैन रहेंगे आप आइए यहाँ पर कंप्लेंट करिए, यहाँ पर जो है सीओ भी रहेंगे उनको भी कंप्लेंट करिए, अगर नहीं सुने तो आप मेरे को बोलिए, अब इंशाल्लाह ताला मैं ऊपर तक सीएम तक जो है ना इस कार्रवाई को खामोश नहीं बैठेंगे हम, और जो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में भी है उसको बराबर मॉनिटर करेंगे हम भी। पोस्ट पे रहना जरूरी नहीं है, आप भी कर सकते सब कर सकते। वक्फ को बचाना है तो हर मुसलमान का फर्ज है कि वक्फ को जो है ना फॉलो करना, हर एरिया में जहाँ जहाँ भी तेलंगाना स्टेट में वक्फ प्रॉपर्टी है, तेलंगाना से हटके पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी वक्फ प्रॉपर्टी डैमेज हो रही वहां पर सब लोग मिलकर जो है ना बता सकते हैं। सबसे मेरी अपील है पुलिस की सपोर्ट लो और रेवेन्यू की सपोर्ट लो और वक्फ की सपोर्ट लेके जो है ना लैंड गिरावन का बाजा बजाओ। हार जीत तो जो है कोर्ट, इधर सुनो आप, एक मिनट सुनिए साहब, नाकाम वक्फ बोर्ड नहीं रहता, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जज नहीं रहता सुप्रीम कोर्ट का। वक्फ बोर्ड जो है ना जितनी कोशिश कर रहा है सीनियर एडवोकेट्स को लगा के, 15-15 एडवोकेट्स को लगा के हम लोग जो है ना हमारी चीज हासिल करने की करें, मगर अभी रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं हम लोग, सारा रेलिया का खामोश नहीं है, कोई भी खामोश नहीं बैठे। सेकेंड डे जैसा जजमेंट आया इमीडिएट जो है या बुला के हम लोग मीटिंग लिया स्टैंडिंग काउंसिलों से, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से जो है ना ऑनलाइन बात करके, पेपर में भी आया, सियासत वगैरह में देखे होंगे आप, समझे। मैं जज नहीं हूँ ना भाई फैसला देने के लिए, तो फिर हुसैन शाह वली में हाईकोर्ट में जीते वाले सुप्रीम कोर्ट आने की वजह क्या है? सुप्रीम हाईकोर्ट में जीते तो लोग सुप्रीम कोर्ट गई अपोजिशन पार्टी, सुप्रीम कोर्ट में जो है ना अपोजिशन कौन है? अरे सो भाई पूरे कितने लोग हैं, क्या एक एक का नाम बोलेंगे? नहीं आप जिसके तहत हुकूमत कर रहे हैं उसको कैसा करेंगे? इधर सुनिए, हुकूमत ये किसी का एक का नाम नहीं बोल सकते, वहाँ पर जो है कई लोग है, अब हम लोग खामोश नहीं है, उसको रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं उसको। हारा किससे? वोट हारा किससे? ये 10-15 पार्टियों में। अरे हारा कहाँ दिए, बिहार किसको बोलते हैं? एक मिनट, फैसला वैसा नहीं है, तुम ला पढ़ो पूरा, टेक्निकल जजमेंट दिया उन्हें, कुछ कंपनसेशन देना बोल के दिया कुछ, क्योंकि बिल्डिंगा बन गए सो है, कुछ बिल्डिंगा बन गए सो जगह जो है ना ले हो। सुने अब ये फाइनल नहीं है, हम लोग उसलिए क्या करें, सेकेंड डे रिव्यू पिटीशन डालेंगे बोल के हम लोग डिसीजन ले लिए और उसका काम भी चल रहा रिव्यू पिटीशन डालने का, फिर अपील को जा रहे हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट। हाँ नहीं नहीं, उसमें सीनियर वकीलों को भी ला रहे हैं और सीनियर को भी ला रहे हैं। इसके ऊपर वकील कितना पैसा खर्चा करा उनसे और वकीलों पे, वो देखना पड़ता है अकाउंट में, चलाओ आपको देते लिस्ट कितने पैसा खर्चा। हमेशा आपके रहने का राज क्या है? अरे मेरा बिजनेस नहीं है, मेरी सीट नहीं है, बिजनेस ये वक्फ बोर्ड की किसी की जाति नहीं है ना जी, आज है कल नहीं है कल, मैं इससे पहले भी बोला, मगर एक दिन भी रहे तो हम गलत काम मेरे से हुआ तो एक साइन लाके मेरी बताओ, बोला मैं कभी भी किसी को बगैर उसके दे दिया या कुछ लैंड दे दिया पैसे दे दिया कुछ, कोई भी साइन है तो ला मेरी गलत बोल के बोला मैं गलत। और जो वक्फ के एक्ट है एक्ट के हिसाब से चलना चाहिए और सीएम साहब को सोच समझ के करेंगे फैसला, जो भी करना है हाईकमान के ऊपर है, जो भी है जिसको भी बिठाना है हाईकमान बिठाएंगे उसको इंशाल्लाह। जर्मन टेन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।